फिर से स्वागत है बेटा अभी हम लोग का लाइफ चालू था बट कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो आ, उसमें आवाज़ का कुछ इश्यू था हो जाता है इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है ये तो बहुत ढेर सारी टेक्नोलॉजी है ठीक है होता रहता है पहला बेटा हम लोग देखेंगे शेल्टर। शेल्टर देखेंगे चैप्टर फोर है ठीक है चैप्टर फोर में शेल्टर में हम लोग फटाफट क्वेश्चन देख लेंगे शेल्टर में बेटा उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि कि हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग, अलग प्रदेश अलग अलग, अलग परिवेश में रह रहे होते हैं ठीक है तो जैसे मान लो प्लेन एरिया में घर आप अलग तरीके से देखोगे लेकिन आप पहाड़ी इलाके में चले जाओगे तो आपको अलग तरीके का घर दिख जाएगा या आप जो है इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के घर देखने को मिलते हैं ठीक है तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग एनालाइज करेंगे समझने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश ही करेंगे उसी से काम बनेगा याद करने से रटने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि आप एक चीज़ रट के जाओगे एग्जामिनर ने हल्का सा तो घुमाया और आप घूम जाओगे कोई फायदा नहीं है रटने से क्या है रूरल एरिया ग्रामीण प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि गाय का गोबर का इस्तेमाल होता है दीवार को ढकने के लिए झोपड़ियों को ढकने के लिए ठीक है क्यों होता है ग्रामीण प्रदेश में ग्रामीण जगह पे आप ऑप्शन पढ़िए ऑप्शन में क्या क्या है कि आप देखोगे बेटा इस तरीके से ये महिला है देखिए ये क्या कर रही है झोपड़ी में अपनी जो मिट्टी की दीवारें हैं उसको गोबर से लीपा जाता है ऐसा क्यों किया जाता है क्वेश्चन है बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है ठीक है, है जो गांव का होगा उसको समझ में भी आता होगा कि ऐसा क्यों होता है लेकिन शहर वालों के लिए समझ लो ये क्वेश्चन है इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मेक दम रफ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन अब दीवार पे फ्रिक्शन इंक्रीज करके क्या ही फायदा है इसकी वजह से गोबर तो नहीं मला जाएगा दीवार पे। स्मूथ करने के लिए ना रफ करने के लिए करते हैं ना स्मूथ करने के लिए करते हैं बेटा क्योंकि झोपड़ी की दीवार तो वैसे भी अगर मिट्टी लेप दिया जाए तो बहुत ज़्यादा स्मूथ मानी जाएगी स्मूथ ही होगी ठीक है गिव आ नैचुरल कलर टू द फ्लोर नेचुरल कलर की वजह से भी नहीं करते बेटा बेसिकली क्या होता है दीवारों को इंसेक्ट ये जो दीवारों के ऊपर अगर गो गोबर लिप दिया जाता है तो इससे क्या होता है इंसेक्ट दूर रहते हैं ठीक है जो गोबर है उसमें बहुत ढेर सारे तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं ठीक है जो बुरे बैक्टीरिया हैं जैसे कि जिससे आपको बीमारियाँ होती हैं और जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनसे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है जैसे कि हम लोग बेटा एंटीबायोटिक लेते हैं ना तो एंटीबायोटिक भी एक तरीके का क्या है बैक्टीरिया ही तो है एंटीबायोटिक क्या है एक तरीके का बैक्टीरिया ही है ठीक है एंटीबायोटिक एक तरीके का बैक्टीरिया ही जो अंदर जाके अच्छे बैक्टीरिया से लड़ता है और बुरे बैक्टीरिया से लड़ता है और अच्छा काम करता है अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन क्या है सिलेक्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउस इन लेह एंड लद्दाख लेह और लद्दाख बेटा क्या है यूनियन टेरिटरी उन्नीस में जो है उन्नीस uh, जो तीन धारा तीन को हटाया गया और उसके बाद से लेह और लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था वो यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया ठंडा प्रदेश है ठंडी जगह है ठंडी जगह पे किस तरीके के घर बनाए जाते हैं ये बेसिक सा क्वेश्चन है तो क्या है वुडन फ्लोर ठंड ठंडी जगहों पे फ्लोर जो है लकड़ी का होता है लकड़ी का क्यों होता है क्योंकि लकड़ी बेटा बैड कंडक्टर ऑफ हीट है हीट जो है लकड़ी से आसानी से पास नहीं होती है और ना ही ठंडक पास होती है तो अगर लकड़ी का फ्लोर है तो कमरा मान लीजिए एक तरफ से गर्म अगर हो गया तो वो अपने कमरे की गर्माहट फ्लोर के माध्यम से जमीन को नहीं जाएगी कमरा गर्म बना रहेगा इस वजह से थिक वॉल मोटी दीवारें होती हैं क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पे भूकंप वगैरह आते रहते हैं लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होती है तो दीवारों को मोटा होना जरूरी है ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो ग्राउंड फ्लोर बेटा जो होता है उस पर विंडो नहीं होती है क्यों विंडो नहीं होती है क्योंकि ऐसी जगहों पे बहुत कई बार बर्फ पड़ती है और आठ आठ फीट दस दस फीट तक बर्फ पड़ जाती है अब आप समझो कि खिड़की के बाहर बर्फ है तो बर्फ प्रेशर लगाएगी और विंडो अगर होगा तो विंडो तोड़ के बर्फ कमरे के अंदर आ जाएगी इसलिए ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो बेटा विंडो विंडो ही नहीं लोग नहीं डालते हैं ठीक है आ, विंडो विंडो नहीं डालते बिल्कुल सही ऑप्शन है स्लैंटिंग वुडन रूफ मेड ऑफ ट्री ट्रंक इनकी जो वुडन रूफ होती है इनकी जो रूफ होती है वो वुडन नहीं होती है बेटा जो जनरली लेह लद्दाख की जो रूफ है रूफ है वो उड़न नहीं रहती है ठीक है तो ये ऑप्शन गलत है बी सी डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है चिड़िया की बात हो रही है कोई चिड़िया है जो अपना घोसला बनाती है बहुत ऊंचाई पे किसी पेड़ पे तो कौन सी चिड़िया है चार चिड़िया का नाम दिया गया है सनबर्ड सनबर्ड रंगीन बर्ड होती है छोटी सी बर्ड होती है कौआ तो आप सब जानते ही हो इंडियन रॉबिन रॉबिन भी एक कलरफुल बर्ड होती है डव जो होती है सफेद बर्ड डव, कबूतर कह लो कबूतर हिंदी में कहते हैं लेकिन डव पिजन कहते हैं कबूतर नहीं है आ, पिजन कहते हैं कबूतर को डव जो है सफेद जो पीस का जो संदेश होता है ना वा, वाइट बर, वाइट कलर में होती है, डव, फाक्ता कहते है, उसको हिंदी में, है? तो बेटा जो कौआ है वो सबसे ऊंचाई पे अपना घोंसला बनाता है कौआ क्या करता है सबसे ऊंचाई पे अपना घोसला बनाता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ रिटर्न बाई स्टूडेंट अबाउट हिज होम इन अ विलेज कोई आद, कोई बच्चा है कोई लड़का है स्टूडेंट है विद्यार्थी है वो कोई घर में रह रहा है और वो घर गांव में है वो अपने घर के घर का जो है चित्रण बता रहा है मान लीजिए कोई दोस्त उसका होगा ठीक है वो अपने दोस्त को बता रहा है कि मेरा घर इस तरीके का है ठीक है किस तरीके का है कि मैं जहाँ से आता हूँ वो गाँव है और वहाँ पर बारिश खूब होती है पहली बात तो और वहाँ पे क्या है हमारे घर की जो ऊंचाई है वो दस से बारह फिट की है करीब करीब और जमीन से और वो बने हुए हैं बम्बू ट्री पे बम्बू के ऊपर बने हुए हैं ठीक है पहली चीज़ तो बारिश होती है दूसरी चीज़ दस से बारह फिट की ऊंचाई है तीसरी चीज़ बम्बू है ठीक है और जो इनर साइड ऑफ आवर हाउस है वो लकड़ी का बना हुआ है लकड़ी का बना हुआ है ठीक है तो वो मैं किस जगह से आता हूँ बेसिकली तो उसका समझ लीजिए पहली बूझ रहे हैं इन लोग आपस में पहली पहली खेल रहे हैं और उसने कह दिया कि हम अपने घर में हमारे घर में इस तरीके का है कि मेरा घर क्या है वो लकड़ी का बना हुआ है बारिश बहुत होती है और तो दस से बारह फीट उसकी छत ऊंचाई में है ठीक है ये ये मामला है और ये कहाँ से आता है बेटा देखिए सीधी सी बात है बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है तो इसमें से जो उत्तराखंड है उसमें उतना ज़्यादा बारिश नहीं होती है अगर आप मानसून रीजन पढ़ोगे जोग्रफी का चैप्टर पढ़ोगे तो मानसून उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है तमिलनाडु में ठंडक उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है तो वुडन फ्लोर की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है और तमिलनाडु में बम्बू नहीं मिलता है तमिलनाडु इज नॉट अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ बम्बू ठीक है आंध्र प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है जो आसम है आसम ये चारों कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है ठीक है कि आसाम में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है जो नॉर्थ ईस्ट के आपके प्रदेश हैं नॉर्थ ईस्ट के आपके जो जगह हैं वहां पे बहुत ज्यादा बंबू भी पाया जाता है कमर्शियल लेवल पे बंबू की खेती होती है आसम और अगल बगल के जो सेवन सिस्टर स्टेट हैं जैसे कि मेघालय हो गया नागालैंड हो गया या सिक्किम हो गया ठीक है सिक्किम बहुत छोटा सा स्टेट है लेकिन वहां भी कमर्शियल लेवल के ऊपर बंबू उगाया जाता है तो इसका ऑप्शन बेटा होगा आसाम क्यों क्योंकि आसाम में बारिश भी खूब होती है आसाम में बंबू ही बहुत मिलता है इस वजह से इसका घर जो है बच्चे का जो कहानी बता रहा है वो आसाम में है ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउस फिर से कुछ घर की बात हो रही है कि ये इस तरीके का घर है और उसकी कुछ कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ठीक है उसमें क्या है देखो फिर से बेटा अभी ग्राउंड फ्लोर पे विंडो नहीं है ग्राउंड फ्लोर पे विंडो तब नहीं होती है जब घर ठंडी जगह पे है जहां पे बर्फ पड़ रही है क्योंकि बर्फ पड़ेगी तो खिड़की होगी तो खिड़की तोड़ के बर्फ अंदर आ जाएगी तो यानी कि कोल्ड जगह है ठंडा प्रदेश है ठीक है स्लेंटिंग वुड रूफ है जो रूफ है वो स्लेंटिंग है तिरछी है ठीक है हाउस मेड ऑफ ऑलमोस्ट दस से बारह फिट की जो है ग्राउंड से ऊपर करके बनाया गया है उसकी जो दीवारें हैं वो मोटी हैं, स्टोन की बनी हुई है और वुडन फ्लोरिंग है विच वन ऑफ द फोलोइंग कैक्टिस्ट का लेह और लद्दाख फिर से देखिए लेह और लद्दाख के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ले और लद्दाख के बारे में अक्सर इस यहाँ पे ले लद्दाख के घर कैसे होते हैं एक चीज़ आप याद रखो ले लद्दाख के घर की छतें जो है स्लैंटिंग नहीं होती हैं फ्लैट होती है बेसिकली ठीक है जो स्लैंटिंग कहाँ होती है जम्मू कश्मीर में जो छतें होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं से हटा दो से हटा दो ए ई डी डी कॉमन है सी e e? को हम लोग देख लेते हैं हाउस अप ऑफ ऑलमोस्ट दस से बारह फिट चलिए इससे इससे भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है ठीक है ई e, e इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है यानी कि प्रॉब्लम कहा या तो सी सही है या तो ए सही है ए में क्या है कि ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है बिल्कुल सही बात है ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होगी लेह और लद्दाख के घरों के जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें विंडो नहीं होती क्यों नहीं विंडो होती है? क्योंकि बर्फ पड़ती है बर्फ़ पड़ती है तो उडन और दूसरी बात क्या है दूसरी बात क्या है कि अगर विंडो होती है तो घर कमज़ोर होता है भूकंप वाले इलाके हैं लेह लद्दाख जो है टेक्टोनिकली एक्टिव जगह पे लेह लद्दाख लोकेटेड है क्योंकि वहाँ पे जब मैं जोग्राफी का बेटा पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से इंडियन इंडो प्ले इंडो, इंडियन जो प्लेट है और एशियन प्लेट है ये दोनों आपस में टकराती हैं तो हिमालय बना इस तरीके से तो ये टेक्टोनिकली एक्टिव जगह है ठीक है यहाँ पे भूकंप वगैरह ज़्यादा आने के खतरे होते हैं तो जितनी ज़्यादा विंडो होगी आपके घर में उतना ही घर कमज़ोर भी होता है ये आपका ऑप्शन ए सी डी ई हो जाएगा स्कीमों के बारे में बात हो रही है स्कीमो बेटा उन लोग को कहते हैं जो बहुत बर्फीली जगह पे रहते हैं ठंडी जगह पे रहते हैं वो अपने घर को बनाते हैं जिनको इग्लू कहते हैं ये देख लो आप इग्लू ये जो है आ, ये घर ही बर्फ का बना देते हैं ठीक है बर्फ के तो छोटे 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 टुकड़े करके इस तरीके से घर बनाते हैं अंडे नुमा आधा अंडा कटा हुआ इस तरीके से दिखता है सफ़ेद सफ़ेद रहता है ठीक है वॉट इज द रीज़न फॉर दिस ऐसा क्यों करते हैं कि बर्फ़ से क्यों बनाते हैं लकड़ी से क्यों नहीं बनाते हैं ठीक है या कोई और चीज़ से कपड़े से क्यों नहीं बनाते हैं तंबू अम्बू क्यों नहीं गाड़ के बना लेते हैं ठीक है ये भी एक सवाल बनता है ठीक है तो यही सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि बेटे अब देखिए एक एक चक्र एक एक चीज करके एनालाइज करते हैं इसके ऑप्शंस को ओनली आइस इज अवेलेबल इन द पोलर रीजन बात तो सही है पोलर रीजन पे सिर्फ बर्फ ही मिलती है लेकिन सिर्फ ये एक रीजन नहीं है कि जो मिला वो बना लो तो क्या रेगिस्तान में रेत मिल रही तो क्या रेत से घर बना लेगा आदमी ऐसा तो नहीं होता है ना आइस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट वाह भाई रेगिस्तान की रेत भी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो रेत से तो घर नहीं बनाया जा सकता आई डजेंट अलाउ कोल्ड एयर एंड वाटर टू कम इन साइड आइस ही क्यों अगर उड से भी बनाओगे तब भी तो वो तो पानी और हवा को नहीं आने देगा यह भी ऑप्शन गलत है बेटा बेसिकली क्या है आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट जैसे आइस क्या है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो देखिए समझाता हूँ थोड़ा सा ये बिल्कुल गोल गोल नुमा ये बनाते हैं इसके अंदर इन लोग आग जला देते हैं आग के और इस, इसको कवर कर देते हैं इसका जो फेस है इसको कवर कर देते हैं इससे क्या होता है इन साइड का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ जाता है और बाहर बहुत ठंडक हो रही है और ये अंदर में टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन ये आइस की वजह से जब ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो ये अंदर से हीट बाहर नहीं जाती है अंदर ही बनी रहती है जो अंदर की हवा गर्म हुई वो अंदर ही बनी रह जाती है इस वजह से इन लोग आइस का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को बनाने में ये इसका ऑप्शन बेटा सही होगा द एयर बिटवीन द आइस वॉल प्रिवेंट द इनसाइड हीट फ्रॉम स्केपिंग अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकलती है ना इस वजह से इन लोग अपना घर बर्फ का बनाते हैं बेसिक सा था है थर्ड फोर्थ में जब आप लोग होगे तो ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है कौन सी ऐसी जगह है जिसको हम कहते हैं कोल्ड डिजर्ट कोल्ड डिजर्ट कोल्ड डिजर्ट किसको कहते हैं ठीक है ठंडा जंगल ठंडा जंगल यही हिंदी हुआ इसका तो ठीक है शीत मरुस्थल किसको कहते हैं बेटा जो लद्दाख का इलाका है उसको कोल्ड डिजर्ट कहते हैं डिजर्ट बेसिकली सिंबोलिकली यूज होता है सिंबोलिकली सिद्धांतिक तरीके से कहने के लिए फॉर सेक ऑफ क्योंकि डिजर्ट में क्या है वेजिटेशन नहीं होता है लद्दाख का भी आप एरिया देखोगे ले लद्दाख ठंडा प्रदेश ठंडा बहुत ज्यादा है इस तो वजह से बहुत ज्यादा पेड़ पत्ती नहीं होती है लद्दाख के इलाके में ठीक है पहला रीजन तो ये है ठंडा बहुत ज्यादा है अगले पे आते हैं, ये देखिए ये तो लद्दाख नहीं है ये फोटो गलत लगा दी गई है यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि स्टडी कुछ बताती है कोई स्टडी की गई हो वो बताती है कि कौवा जो है अपना घोंसला बनाता है बड़ी ऊंचाई पे जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है और सर, हर प्रकार की चीज़ें यूज़ करके एवरी पीस ऑफ फ़ूड एंड वायर और एक चालाक चिड़िया है जो क्या करती है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे क्या करती है कौए के घोंसले में दे देती है ठीक है और बेचारा कौवा क्या करता है उनके अंडों को सोचता है कि मेरे खुद के अंडे हैं और उनको सेता है उनके अंदर से जो बच्चे निकलते हैं उनको पालतन, पालन पालन पोषण करता है ये ये किस चिड़िया का नाम है ये उस चिड़िया का नाम है बेटा जो बहुत ही मीठा गाती है सबसे मीठा गाने वाली बर्ड बर्ड कौन है कोयल इसीलिए ये एक नेचर का एक बहुत बड़ी सीख है हम लोग को बहुत बड़ी सीख है ये सवाल समझिए इसके पीछे क्या सीख है कि जो बहुत ज़्यादा मीठा बोल रहा है उससे ज़रा बच के रहो वो हो सकता है कि आपका घर छीन ले यही करती है कोयल कि अपने अंडे जो है घोंसले में नहीं अपने घोंसले बनाती ही नहीं है ये ये क्या करती है कौए के घोंसले में दे देती है और कौवा बेचारा क्या सोचता है कि मेरे अंडे हैं वो बना के से देता है इन अंडों को ठीक है कोयल देखिए मीठा गाती है लेकिन काम बड़े खतरनाक करती है स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस कोई स्ट्रक्चर है घर का जो रूरल एरिया में है वो क्या है क्लाइमेटिक कंडीशन से जुड़ा हुआ है जहाँ पे बनाए जाते हैं कोई गांव है जहाँ पे घर है जहाँ पे फॉलोइंग फीचर है क्या क्या फीचर है घर के कि जो घर है वो बम्बू से बना हुआ है फिर से देखिए बम्बू की बात आई बम्बू की बात आई तो हम लोग किधर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में सीधी सी बात है बम्बू की बात आई नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे ये यूपी कहाँ पर है नॉर्थ में है या नॉर्थ कह लीजिए या बिल्कुल मिडिल नॉर्थ में कह लीजिए आप बिहार कहाँ है वो भी यूपी के बगल में है नॉर्थ ईस्ट में नहीं है राजस्थान कहाँ है वो तो ईस्ट में पड़ता है आसाम इसका ऑप्शन होगा नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है आसम पे आंसर आप टिक कर दीजिए फालतू तो क्यों टाइम वेस्ट करना अगले क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखेंगे ठीक है क्या क्वेश्चन है कुछ मैच करना है इन लोग में अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं दोनों में मैचिंग करना है क्या मैच करना है कि पहला ऑप्शन कौन सा है दूसरा ऑप्शन कौन सा तीसरा कौन सा चौथा कौन सा अब देखिए राजस्थान को पकड़िए और राजस्थान क्या एक्सट्रीम प्रदेश है राजस्थान में क्या होगा बेटा राजस्थान में क्या राजस्थान का क्या मामला रहेगा कि रूफ मेड ऑफ द थॉर्नी बुशेस राजस्थान में कटीले पेड़ मिलते हैं कैक्टस कैक्टस राजस्थान में ही तो कैक्टस मिलता है ठीक है राजस्थान में कैक्टस मिलता है थॉर्नी बुशेस मिलते हैं तो यानी कि बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर अब देख लीजिए दो में चार किस में किस में में है दो में, बी में पांच ये है ये गलत हो गया बी में एक है ये गलत हो गया ये बी का एक एक सही है अब देखिए ये दिस कॉल्ड स्मार्ट ट्रिक एक पाँच इसमें भी, इस भी सेम है एक पाँच इसमें भी सेम है सिर्फ ये दो का मामला है यानी कि ए का दो होगा या ए का तीन होगा आइए देख लेते हैं ए पे है क्या मनाली ए के तीन पे क्या है कि हाउस बोट है मनाली में हाउस बोट है तो जो लोग लो मनाली गए होंगे वो चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि मनाली हाउस बोट के लिए नहीं फेमस है मनाली में कोई इस तरीके की लेक नहीं है हाउस बोट कहाँ होगी लेक में होगी ठीक है तो नैनीताल की अगर बात कर लो तो हाउस बोट है या डल लेक की बात कर लीजिए कश्मीर में हाउस बोट है साउथ में आप चले जाओ केरला की बात कर लो तो केरला में विम्बनाद लेक है उसमें हाउस बोट होती है मनाली में हाउस बोट नहीं होती है इसलिए जो ये ऑप्शन होगा ये भी गलत हो जाएगा ये ऑप्शन आपका सी सही है कि मनाली में हाउस मेकअप ऑफ स्टोन वुड विद स्लैंड टू तिरछी छतें होती है मनाली में अगर आप जाओगे रहने के लिए तो तिरछी छत तिरछी छत देखने को मिलेंगी ठीक है घोसला thorn? Thorn बनाती है कॉक्टस बेटा, बेटा ये शेल्टर का बस इतना ही क्वेश्चन है आ, हम लोग आज के जो चैप्टर फाइव भी थोड़ा देख लेंगे चैप्टर फाइव क्या है ट्रैवल ट्रैवल के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि अगर आप यात्रा कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह तो किस तरीके की आपकी

तो ठीक है तो कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है एबिलिटी टू यूज कैलकुलेशन कैलकुलेशन करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मैप तो पहले से कैलकुलेट करके बना हुआ है एक्सीलेंट ड्राॅइंग एंड पेंटिंग स्किल अगर कोई यानी कि हर पेंटर कार्टोग्राफर हो जाता है जो लोग मैप बनाते हैं उनका 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 नाम के, उनको क्या कहते हैं कार्टोग्राफर तो हर पेंटर कार्टोग्राफर नहीं होता है ठीक है यानी कि लियोनार्डो डी डिकप्रियो जो है बहुत अच्छा पेंटर था या जो जिस, जिसने मोनालिसा पेंटिंग बनाई है वो बहुत अच्छा मैप बनाता था ये भी सही नहीं है तो जो ऑप्शन है वो ये सही है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द प्लेसेस जगहों की स्थिति अगर जिनको समझ में आती है एक जगह के सापेक्ष दूसरी जगह कितना दूर है उनको मैप पढ़ने की अच्छी समझ मानी जाती है ये कहते हैं ठीक है शूटिंग स्टार अक्सर टूटता तारा बॉलीवुड पिक्चर में आपने देखा ही होगा कभी ना कभी ठीक है तो टूटते तारे की बात हो रही है टूटता तारा दो चीजें होती है बेटा टूटता तारा जैसे कि क्या थोड़ा सा समझा देता हूं जैसे ये आपका अर्थ है इसके चारों तरफ एनवायरमेंट है इसमें बेटा चार लेयर है। कौन कौन सी लेयर है? और एक्सोस्फेयर चार लेयर है ये आपके जो एनवायरमेंट है आपका जो एटमोस्फेयर है अगर कोई बाहर से कोई उल्का पिंड क्या है बहुत छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल टुकड़े ठीक है वो अगर एंटर करते हैं बहुत तेज स्पीड से ठीक है और आपके एन्वायरमेंट में इंटर करते हैं तो इस ये जब इन्वायरमेंट से इसके बीच में घर्षण होता है घर्षण होता है जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन से ही आग लगती है फ्रिक्शन से ही आग लगती है तो जो ये टुकड़े बाहर के जो उल्का पिंड है ये जब एंटर करते हैं तो इनमें आग लग जाती है इसलिए आपको दिखता होगा कि चमकता हुआ कुछ आ रहा है ठीक है बाहर से चमकता हुआ कुछ आ रहा है देखिए इसी एक इसी को पूछा गया कि शूटिंग स्टार होता क्या है जो टूटता हुआ तारा तो तारा वाला नहीं टूट रहा है बेसिकली तारा तो बहुत बड़ी एंटिटी है जैसे सूरज क्या है सूरज इज ए स्टार ठीक है इस तरीके से अगर समझो सूरज टूट गया और टूट के धरती की तरफ बढ़ा तो कितना भयानक होगा ये आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे तो तारा तो बहुत बड़ा होता है कहने को तो हम लोग कहते हो तो स्टार लेकिन वो स्टार है नहीं वो क्या है मेट्योर है जो वो वो मेट्योर है जो हवा में ही जल गया और लेकिन कुछ ऐसे उल्खापिंड बेटा होते हैं जो जलते नहीं है पूरी तरीके से वो अर्थ को टक्कर भी मार देते हैं तो उनको क्या कहते हैं कहते कहते हैं हैं उनको मेट्योराइड है so, ये कैच फायर अर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है ऑल बिग सिटीज सारे बड़े शहर क्या कर रहे हैं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की एज अ रिजल्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल जहां पे गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है इस वजह से उनको बड़ी दिक्कत हो रही है सबसे बढ़िया तरीका क्या है किसी इंडिविजुअल के लिए सिटी में कंट्रीब्यूट करने का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रिडक्शन uh, के लिए पोल्यूशन के प्रोडक्शन के जो पॉल्यूशन है उसको रिडक्शन के लिए क्या सही तरीका है एक एक करके देखते हैं नॉट कीपिंग ए पर्सनल व्हीकल लाइक स्कूटर और कार अवॉइडिंग फ्रिक्वेंट ट्रेवलर आउटसाइड अरे जब उसको ज़रूरत ही है बाहर जाना है तो अवॉइड कैसे कर सकता है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या गेटिंग द इंजन ऑफ द पर्सनल व्हीकल चेक रेगुलरली बाय द एनवायरमेंटल एट द सेफ लिमिट ठीक है आप इंजन भले चेक करा लो कि जितना uh, जो है स्मोक वगैरह निकाल रहा है उसके ऊपर आप चेक रखो ना लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं क्योंकि अगर डीजल इंजन है तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा ही करेगा ठीक है नॉट कीपिंग पर्सनल व्हीकल का भी ऑप्शन नहीं है अगर आपको ज़रूरत है सुबह सुबह छः बजे आपको मान लो अपने ऑफिस पहुंचना है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं तो आप तो ऑफिस छोड़ दोगे इन्वायरमेंट के चक्कर में ठीक है तो इसका बेटा सबसे अच्छा तरीका यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज़ किया जाए सीधी सी बात है जितना ज़्यादा हो सके गाड़ी वगैरह मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर ऑन द सर्फेस ऑफ द मून जो चांद है आपका उसके ऊपर के सरफेस की बात हो रही है कि चांद का सरफेस कैसा है ठीक है तो क्या क्या ऑप्शन है ये ऑप्शन देख लीजिए नो ग्रेविटी ये गलत है क्योंकि चांद की जो ग्रेविटी है वो ऑफ अर्थ है यानी कि कोई चीज अगर यहाँ पे छह किलो की है तो वहां पे एक किलो की होगी लेकिन ग्रेविटी है कोई भी ध, कोई भी चीज जो है जिसका मास बहुत बड़ा है उसके अंदर ग्रेविटी होना निश्चित है उसके अंदर ग्रेविटी होना निश्चित है ठीक है धरती पे जो जी का मान हम लोग जनरली काउंट करते हैं नाइन काउंट करते हैं ठीक है तो नो ग्रेविटी का तो आ, सवाल ही नहीं है ग्रेविटी तो बिल्कुल है ये ऑप्शन गलत हो गया ये भी नो ग्रेविटी लिखी है ये भी ऑप्शन गलत हो गया दो ऑप्शन अब बचा नो वाटर नो वाटर दोनों कॉमन है लेकिन देखिए ये पुराना क्वेश्चन है अभी जो चंद्रयान गया है उसने पानी के अंश खोजे हैं धरती चांद पे ठीक है एयर और हाई माउंटेन और ये क्या कह रहा है डीप क्रेटर और हाई माउंटेन ठीक है एयर है और हाई माउंटेन है और लेकिन डीप क्रेटर्स हैं और हाई माउंटेन है बेटा ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है हवा चांद पे हवा नहीं है चांद पे हवा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हवा का मतलब क्या है वातावरण वायुमंडल जो धरती पे वायुमंडल है उस तरीके से चांद पे वायुमंडल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि चांद इतना बड़ा नहीं है कि अपने आसपास वायुमंडल को खींच के रोक सके धरती के ऊपर जो है ग्रेविटेशनल पुल जो है जो हमारा जो वायुमंडल है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल इतना लग रहा है कि वायुमंडल उड़ नहीं गया लेकिन चांद के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है जी की वैल्यू है वो कम है इस वजह से उसका वायुमंडल उड़ गया ठीक है तो चांद के ऊपर हवा नहीं है इसलिए अगर दो लोग चांद के ऊपर खड़े हैं और आपस में बात करेंगे तो एक दूसरे को से बात नहीं कर सकते हैं वो बात क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि बात करने के लिए बीच में एयर का होना जरूरी है दो लोग अगर वैक्यूम में खड़े हुए हैं तो वो लोग बात नहीं कर पाएंगे अगर हवा ही होती तो एलन मस्क जो है चांद के ऊपर जाता है ना और कहता कि जाके यहाँ पे हम लोग नई कॉलोनी बसाते हैं वहां पे तो हवा ही नहीं है मंगल ग्रह के ऊपर वातावरण है वायुमंडल है क्योंकि मंगल ग्रह की जो साइज़ है वो धरती के बराबर है करीब करीब ठीक है क्लोजेस्ट कंपेनियन ऑफ अर्थ इज मार्स नॉट द मून मून के ऊपर वातावरण ही नहीं है एटमोस्फेयर ही नहीं है सोचिए अगर एटमोस्फेयर नहीं होगा तो बारिश होना पॉसिबल है ये आप मेरे को कमेंट में करके जरूर बताइएगा जिसने भी यहां तक वीडियो देखा है सिलेक्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पेट्रोलियम पेट्रोलियम के जो है करेक्टरिस्टिक बताना है बेटा ठीक है पेट्रोलियम के जो पेट्रोल होता है पेट्रोल और पेट्रोलियम में अलग अलग है जो धरती के अंदर से खोद के निकाला जाता है ऑयल रिग से उसको पेट्रोलियम कहते हैं उसमें से अलग अलग चीजों को अलग किया जाता है जैसे कि मान लीजिए डीजल है पेट्रोल है और केरोसिन है और या जो गैस है आपकी सी है वो सारे पेट्रोलियम से प्रोडक्ट्स को अलग अलग करते हैं ठीक है तो पेट्रोलियम की क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं ये थिन नहीं होता है बेटा पेट्रोलियम बहुत थिक होता है ठीक है तारकोल आप देख रहे हो तारकोल पेट्रोलियम से निकाला हुआ है तो तारकोल किसी चीज में अगर मिला हुआ है तो थिन कैसे हो सकता है ठीक है डेंस डार्क फ्लूड विदाउट स्मेल स्मेल तो होती है बेटा आप कभी पेट्रोल पंप पे जाओगे तो आपको स्मेल खूब मिलेगी प्लीजेंट स्मेल प्लीजेंट स्मेल नहीं होती है सुगंध नहीं होती है दुर्गंध होती है तो क्या है स्मेली है थिक है डार्क है और कलर्ड काला काला सा है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है पेट्रोलियम के बारे में सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज क्या है बेटा बेसिकली ब्रॉन्ज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो ब्रॉन्स बेटा अगर जैसे ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लोगों को पता होना चाहिए ठीक है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हेलो शिवा सर हेलो नाइस सर थैंक यू ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज बेटा बेसिकली क्या है ब्रॉन्ज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर बेसिकली कॉपर होता है इसमें एक क्या करते हैं टिन की मात्रा कर देते हैं 15 परसेंट दस से 15 परसेंट ब्रॉन्ज में टिन होता है और बाकी क्या होता है कॉपर होता है तो ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन ये पहला ही ऑप्शन आपका सही है अलबरूनी अलबरूनी के बारे में आपने कम सुना होगा थोड़ी सी कहानी मैं बता देता हूं अलबरूनी साहब कौन थे क्वेश्चन क्या पूछा कि अलबरूनी कहाँ से आए थे अलबरूनी जो है ट्रैवलर थे किसी टाइम पे अलबरूनी कहाँ से आए थे तो अलबरूनी की कहानी ये है कि अल्बरनी जो है गजनवी मोहम्मद महमूद गज़नवी के आ, जो आ, उनकी सल्तनत थी उनमें ये उसमें ये एस्ट्रोलॉजर थे एस्ट्रोलॉजर आप समझ सकते हो जो पंडित समझ लीजिए कहिए जो ग्रह दशा देख वगैरह के राशि वगैरह से आपको बताते हैं कि आ, आप कौन सा काम किस समय पर करेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है तो अल्बरनी क्या थे एस्ट्रोलॉजर थे ठीक है और ये आए थे मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ में जो सल्तनत पीरियड आपका जो स्लेव डेनास्टिटी है शुरू जब हुआ था उसका स्टैब्लिश जब हुआ था उसी समय पे ये आए थे करीब ग्यारहवीं शताब्दी के बारे के आसपास की ये घटना है ठीक है तो ये आए कहाँ से थे ये आए थे उजबेकिस्तान से बेटा उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ये सब चार पांच कंट्रीज़ हैं जिनको क्या कहते हैं सी कंट्रीज़ कहते हैं सी कंट्री ये सारे कंट्री जो है यूएसएसआर से टूट के निकले हुए हैं इनकी प्रॉब्लम्स क्या है ये बड़े रिसोर्स रिच कंट्री हैं लेकिन फिर भी ये गरीब है ये गरीब क्यों है क्योंकि इनके पास जो है एक्सेस टू सी नहीं है समंदर का रास्ता नहीं है ये चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है जैसे अफगानिस्तान एक कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है जो उज्बेकिस्तान आपका कंट्री है वो भी लैंड लॉक्ड कंट्री है बरूनी की एक और क्वालिटी में आपको बता दूं आप याद रखिएगा हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो जो इन्होंने अलग अलग तरीके के कैलेंडर थे हिंदू कैलेंडर और जो ग्रिगेरियन कैलेंडर है इनके बीच में इन्होंने लिंकेज निकाला था और मुस्लिम कैलेंडर जो था कि किस तरीके से इस कैलेंडर की कोई डेट को ग्रिगेरियन या हिंदू कैलेंडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं यह इनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था अगला क्वेश्चन देखते हैं Uh, कुछ ग्राफ रहा दिख रहा है आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है द पोर्शन ऑफ द रेलवे टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज गिवन बिलो कोई टाइम टेबल दिया गया है किसी एक्सप्रेस ट्रेन का ठीक है वो मामला क्या है वो सूरत से चालू हो रही है फिर वलसाड़ जा, जा, जा रही है फिर भिवंडी जा रही है फिर मडगांव जा रही है अबव इंफॉर्मेशन द डिस्टेंस बिटवीन द सूरत एंड मडगांव एंड टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस देखिए थोड़ा सा हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अकल लगाने की कोशिश करेंगे यानी कि ट्रेन जो है चार बजे पहुंची है चार बज के पंद्रह मिनट पर और पाँच सौ तीस किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी है ठीक है और जब ये वलसाड पहुँचती है तो पाँच सौ अंठानबे किलोमीटर की दूरी कवर करती है भिवंडी पहुंचती है तो सात सौ बावन बहत्तर किलोमीटर की दूरी कवर करती है और मडगांव पहुंचती है तो पंद्रह सौ नौ यानी कि अगर सूरत से मडगांव के बीच की दूरी निकालनी है तो पाँच सौ तीस किलोमीटर जो चल चुकी है पहले से इसको तो घटाना पड़ेगा ना पंद्रह सौ नौ में से तो पंद्रह सौ नौ में से आप ये इसको पंद्रह सौ नौ में से पाँच सौ तीस अगर आप घटा दोगे तो आपका आएगा नाइन सेवन नाइन किलोमीटर यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत है ठीक है अच्छा दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि कितना समय लगा इसमें हम लोग बेटा थोड़ा सा ट्रिकी काम कर लेंगे ठीक है ट्रिकी काम कैसे करेंगे हम लोग टाइम नहीं जोड़ेंगे क्या होगा यही होती है एक स्मार्ट अप्रोच और एक होती है मोटी मो, मोटी बुद्धि वाली अप्रोच ठीक है तो हम लोग मोटी बुद्धि नहीं लगाएंगे हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे देखिए यहां पे बीस है और यहाँ पे 45 है दोनों को घटाइएगा तो पाँच आएगा एंड में एंड में पाँच आएगा यहाँ पे 20 आ रहा है यहाँ पे पाँच आ रहा है जहाँ पे जीरो आ रहा है यहाँ पे पाँच आ रहा है ऑप्शन का ऑप्शन ये पाँच वाला सही हो जाएगा निश्चित ये सही होगा आप लोग चाहेगा तो जोड़ के चेक कर लीजिएगा स्मार्ट अप्रोच हम लोग ने लगाई बेटा क्योंकि दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया जो है दूरी के हिसाब से और पंद्रह था या यहाँ पे बीस था लेकिन हमको एंड में क्या चाहिए क्योंकि ये बीस है और ये पैंतालीस है अगर पैंतालीस में से बीस को आप घटाएंगे भी तो एंड में पाँच आएगा तो जिसके एंड में पांच आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा निश्चित वही होगा सिलेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर चार चीजें दी हुई हैं बेटा उसमें से एक कुछ अलग है और तीन तीन एक तरीके की है और चौथा चीज अलग है ठीक है तो देखते हैं क्या है? वैक्स ग्रीस पेट्रोल कोल बेटा जो कोल है वो कहाँ से निकलता है जनरली लकड़ी से निकलता है वुड से निकलता है और ये जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये कोल जो है अलग है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बेसिकली वो अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो वो ये कहते हैं कि जो आपके किसी ज़माने में जो आपके जीवित जीव जंतु थे वो एक प्लेट वो वो डेड हुए और बरी हुए और उसके ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ गई और बहुत ज़्यादा प्रेशर दोनों के बीच में रहा तो वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकला है पेट्रोल वहाँ से निकला जो लकड़ी है वो जो जंगल है वो जो दब गए पहाड़ के नीचे में और कई सौ साल में कई हज़ार साल में वो कट कन्वर्ट हो गए जो जो पहले का कोल होगा उसको कहते हैं बिटुम लिगनाइट फिर इसको उसके बाद का जो स्टेज आएगा उसको कहते हैं बिटुमनस फिर उसको कहते हैं अंथरासाइट सबसे जो अच्छा वाला कोल होगा वो कहते हैं अंथ्रासाइट कहते हैं ये कम पका हुआ कोल है समझ लीजिए ये उससे ज्यादा और ये अंथ्रासाइट ये अंथरासाइट का जो बेटा कोल है ये कहा मिलता है जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा मिलता है जनरली बाकी जो इंडिया में जो कोल मिलता है उसमें लकड़ी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसलिए धुआं बहुत ज्यादा देता है इसीलिए इंडिया बाहर से कोल को इंपोर्ट भी करता है क्योंकि इंडिया में क्वालिटी कोल नहीं है इंडिया में ऐसा कोल है जिसमें बहुत ज्यादा सल्फर कंटेंट है और बहुत ज्यादा धुआं देता है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं कोई आदमी है वो गुजरात से जा रहा है कहां गुजरात से जा रहा है बेटा भोपाल अगर आप मैप हो गए मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये गुजरात है ये इस दिशा में जाएगा तो ये भोपाल पड़ता है उसके बाद कहां जा रहा है आंध्रा तो आंध्रा है नीचे की तरफ में ठीक है तो ये सबसे पहले कहां गया ये इस दिशा से इस दिशा में बढ़ेगा तो कौन सी दिशा है बेटा ये ईस्ट है और ये नीचे में बढ़ा तो ये साउथ है यानी कि ईस्ट और साउथ की दिशा जो है वो आपका इसका आंसर होगा फर्स्ट द ईस्ट देन टूवर्ड द साउथ ये इसका ऑप्शन सही होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑन अ सिटी मैप इट वॉज मैं एक सेंटीमीटर को 110 मीटर कहते हैं एक सेंटीमीटर को 110 मीटर कहते हैं ठीक है तो 15 सेंटीमीटर कितना हुआ 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो गया पंद्रह सेंटीमीटर इससे भी इसको भी पंद्रह से मल्टीप्लाई कीजिए को पंद्रह से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा फिफ्टीन जीरो से जीरो फिफ्टीन मंजे फिफ्टीन फाइव वन फिफ्टीन वन सिक्स फाइव जीरो मीटर इसको बनाइए किलोमीटर में हजार से डिवाइड दे दीजिए तो कितना आएगा वन पॉइंट सिक्स फाइव किलोमीटर ये आपका आंसर होगा 1.65 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है बेटा ये 11 क्वेश्चन हम लोग ने ट्रैवल से भी कवर कर लिए और 10 क्वेश्चन शेल्टर से भी कवर कर लिए जिन्होंने साथ दिया लाइव चैट में लाइव वीडियो में उनका बहुत बहुत शुक्रिया कुछ ना कुछ सीखने को उम्मीद है आपको मिला होगा कुछ अच्छा लगा हो इस चैनल के बारे में मेरी पढ़ाने के तरीके के बारे में तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच